सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सोनाली ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है। आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे वीडियो में। देखिए, मेरे घर में सत्यनारायण जी का पूजा हो रहा है, आप सब भी देख सकते हैं। बने रहिए मेरे वीडियो में, दिखाते हैं अभी। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि पहले संकलित व्रत क्यों नहीं करते हो? साधु बोला है, प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री से समझा कर वह बाहर चला गया। इधर सारावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी और एक दिन धर्म साधु बनिया के सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग देखकर दूतों को बुलाकर कहा कि विवाह से नित कन्या के लिए योग बार खोज कर आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कन्या नगर में गए और उस नगर में एक बनी दूसरों को लेकर साधु के पास आए और उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा और जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त में विधि पूर्वक अपनी कन्या का उस बनी पुत्रों के साथ विवाह कर दिया। सौभाग्यवश विवाह के समय भी उस वर्ष को साधु भूल गया। सत्यनारायण देव ने क्रोधित हो गए। जिन निज कर्म में अति चतुर साहूकार का व्यवहार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर ही तद निकट रत्नासागर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा दी, बच कर देख कर उसके साथ दिया कि तेरे ऊपर भरा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा कर अपने और दौड़ते हुए राजा के बच्चों को आता देख कर धन को यहाँ रख कर आप चिल गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांध कर अंकित हो राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, दो चोर लाए हैं, उनको देख कर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर हर आचार को आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने उन्हें खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया और सूत जी बोले, सत्यदेव जी की माया से चंद्र केन्तु राजा ने अपनी दोनों कनियों को वचन को कुछ भी सुनाकर उनका। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा पूजा पाठ कैसा लगा और बताइएगा। अब अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।